पाटीदार आंदोलन के खत्म होने के ठीक 3 साल बाद हार्दिक पटेल एक बार फिर से आंदोलन करने की कवायद में जुट गए हैं। हार्दिक पटेल की अचानक बड़ी सक्रियता से प्रदेश के सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या अनशन के बहाने राजनीति में आने की तैयारी में है हार्दिक? क्या 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं पाटीदार नेता? सियासी जानकारों की माने तो हार्दिक राजनीति में घुसने की तैयारी कर रहे हैं और वो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले हार्दिक पटेल खुद कई बार कह चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो हाल ही में 25 साल के हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव थर्ड फ्रंट के बैनर तले लड़ सकते हैं। हालांकि पिछले साल संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह हार्दिक पटेल की कांग्रेस से नजदीकी देखी गई, उससे उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के कयास लगाए जा रहे थे। चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में खुलकर प्रचार भी किया था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हार्दिक तीसरे मोर्चे की टिकट से अपनी सियासी पारी का आगाज कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हार्दिक उत्तर गुजरात की मेहसाणा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि खबर ये भी है कि खुद हार्दिक सौराष्ट्र की सीट से लड़ने के इच्छुक हैं। बहरहाल उनके लिए सुरक्षित सीट ढूंढने का जिम्मा एक स्वतंत्र एजेंसी को दिया गया है। दरअसल पाटीदार समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। खुद हार्दिक कड़वा पाटीदार समुदाय से आते हैं। उत्तर गुजरात में इनकी संख्या काफी है, लेकिन मेहसाणा डिप्टी सीएम नितिन पटेल का गढ़ है। ऐसे में हार्दिक इस सीट से चुनाव लड़कर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पटेल प्रदेश की किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।